राम राम जी, कैसे हो आप? आज है बुधवार, आप वीडियो देखने के लिए आज फिर से आ गए। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है देव कुमार, आप देख रहे हो डी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। और अभी तक आपने हमारे डी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आने वाले ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले सबसे जल्दी पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज आप वीडियो के थंबनेल देख समझेंगे, आज मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सन 1981 में जो राजस्थान में बाढ़ आया था, उसमें जो विनाश हुआ था, उसका ब्लॉग मैं पहले बना चुका हूँ। अगर आपने वो पहले वाला ब्लॉग नहीं रहा तो ऊपर आई बटन में आपको ब्लॉग मिल जाएगा, वहाँ आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमारे घर की बात आपको पता है क्या है, वीडियो को लाइक कर देना और डी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले हमें सबसे जल्दी पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई अपनी बात, अब कर लेते हैं इस ब्लॉग के बारे में बात। तो इस ब्लॉग में आपको मैं बताऊँगा कि जो भी नाश हुआ था, जिस जैसे धरती का नाश हुआ था, जो वो धरती किसी भी काम की नहीं रही, वो बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, अपने इस ब्लॉग को एंजॉय करना और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और भाई के लिए एक शेयर, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के अपने इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, मैंने पहले वो ब्लॉग बनाया था तो वो जगह ये नहीं थी, वो जगह यहाँ से ऐसे जाके वहाँ तक जा रही है। अगर वो ब्लॉग आपको नहीं देखा तो मैं फिर से बोला हूँ, ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो अभी देखिए, तब वो बाढ़ आई थी ना, तो ये इतनी, मतलब ये जो इसको हमारे यहाँ पे ना बोलते हैं नड़ा, पता नहीं आपकी भाषा में क्या बोलते होंगे, तो ये पानी गति से सब देखो इतना हुआ। अभी जो धरती थी ना, अभी किसी भी काम की नहीं है, नहीं आए थे यहाँ पे सिंचाई सकती है, लेकिन हाँ, अगर हम यहाँ पे पानी के लिए बोरवेल लगवाते ना, अच्छा पानी जाता है। तो हम यहाँ से, वो तो क्या थी ना, मैं पहले जो ब्लॉग बनाया था ना, उसमें तो क्या था, मैं नीचे नहीं उतर सकता था क्योंकि गहराई काफ़ी ज़्यादा थी, इसकी गहराई उससे काफ़ी कम है। तो हम यहाँ से उतरने का प्रयास करते हैं, और ये काम मुझे काफ़ी रिस्क लग रहा है, सुबह सुबह कहीं गिर ना जाए। यहाँ से जाऊँगा मैं सीधा उतर के अंदर। ओ माई गॉड। तो ये देखिए, अब मैं आ गया हूँ इसके नीचे, वहाँ पे था मैं अभी। तो अभी आप देख सकते हो, मतलब कहना ये चाह रहा हूँ कि उस पानी ने हमारे लिए फ़ायदा किया तो इतना बड़ा नुकसान भी किया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर हम इसको, मतलब इसको बोड़ने का प्रयास करें, मतलब इसको वापस समतल करने का प्रयास करें ना, तो कम से कम इतना खर्चा आ जाएगा जितना हमारे गांव की पूरी ज़मीन को बेचनी पड़ जाएगी ना, तब भी ये पूरा समतल नहीं होएगा। मेरी सांस फूल रही है क्योंकि मैं चढ़ाई से नीचे उतरा था। तो अब मैं आपको फ्रंट कैमरे से शूट आउट बताता हूँ इसके नीचे। देखिए, अभी यहाँ पे आ गया हूँ। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा कि 81 में वो आया था ना महाप्रलय, तब तो मेरा जन्म तो था नहीं। हमारे पूर्ज बताते हैं कि इतना भयंकर पानी रफ्तार थी ना कि वो फटाक से, मतलब सफाट करता हुआ पानी के इसके सबको तोड़ ताड़ के, और ये सब तार से देखो इतना गहरा खड्डा हो गया, और इसको नड़ा के नाम दिया गया। वर्तमान में इसकी लंबाई, मतलब 5-7 किलोमीटर तो कम से कम होएगी, क्योंकि वो ब्लॉग ये भी है ना, वो मैंने पहला ब्लॉग बनाया था इसका, तो वो वहाँ पे उस सामने उस कोने में है, मतलब यहाँ से वो 3-4 किलोमीटर तो होगा ही होगा। आगे भी ये इधर इस साइड में ये 5-7 किलोमीटर आगे भी है। तो बस यही था अपना। अब मैं इसको पूरा ब्लॉग मैं आपको पीछे वाले कैमरे से इसका म्यूजिक के साथ शूट आउट बताता हूँ। ये था अपना इतना सा ब्लॉग। तो बस आपसे वही रिक्वेस्ट, अपने घर की बात को पूरी कर देना, मुझे सपोर्ट करो, आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाता हूँ हर बुधवार को, और वीडियो कर देना लाइक और डी ब्लॉग यूट्यूब चैनल कर लो सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद इतनी सी घंटे के आइकन को प्रेस कर देना। यार हो रहा क्या है ना, व्यूज़ काफ़ी कम आ रहे हैं, हो सकता है आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया इसलिए आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहा हो, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लो और सब्सक्राइब कर लो। तो फ्रेंड्स,
इस ब्लॉग को प्लीज़ शेयर कर देना ताकि आगे तक पहुँच सके, लोग इसका आनंद ले सके। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और डेवलप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शेयर करना तो मुझे पता है आप शेयर नहीं करोगे, बाकी आपकी भी इच्छा अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना यार, और लाइक तो कर देना। और मिलते हैं आपको अगले बुधवार को एक और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और घर की बात का फिर से ख्याल रखना मेरे दोस्त। तो फ्रेंड्स ओके गुड बाय, मिलते हैं एक और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम।